hello everyone how are you all hope that everyone is fine as i told you in the previous videos that i will make a video in which all the solutions of your moral science chapters will be and so today we are going to start class 8th chapter 1 to 8 solutions okay so let's start before वी स्टार्ट द वीडियो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जो रेड सब्सक्राइब बटन है सो तो दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अब आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम आपकी क्लास की या कोई भी वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नाउ क्वेश्चन नंबर वन वट डिड गॉड डू ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे कि जो गॉड हैं उन्होंने पहले और दूसरे दिन में क्या किया था On the first day, God separated the light from the darkness and called the light as day and darkness as night. उन्होंने जो light थी यानी कि जो रोशनी थी उसे अंधेरे से अलग किया और जो रोशनी थी उसे दिन का नाम दिया और जो अंधेरा था उसे रात का नाम दिया

उन्होंने उसे ब्लेस इसलिए किया था क्योंकि उस दिन उनका काम कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वुड द वर्ल्ड हैव बीन इफ गॉड हैड नॉट डन इवन वन ऑफ द थिंग्स दैट ही डिड इन ऑर्डरली सिक्वेंस जो जो उन्होंने ऑर्डरली सिक्वेंस में किया है अगर वो ना किया होता तो क्या होता इफ द गॉड हैड नॉट डन इवन वन ऑफ द थिंग्स द वर्ल्ड बी लाइक अ बैरन लैंड बंजर जमीन की तरह होता क्वेश्चन फोर गिवेन अ चांस आपको एक चांस मिलता है तो आप गॉड का जो क्रिएशन है उसे कैसे चेंज करोगे या चेंज करोगे या नहीं करोगे आई वुड नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ गॉड्स क्रिएशन बिकॉज ही इज़ द सुपीरियर इन दिस वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली हिज क्रिएशन इज द बेस्ट क्रिएशन विल नॉट चेंज हिज क्रिएशन चाप्ट चैप्टर टू का सोल्यूशन देखते हैं नाउ ये जो हमने सोल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया ये चैप्टर वन के सोल्यूशंस थे आप वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं नौ क्वेशन टू सॉरी चैप्टर टू क्वेश्चन वन वट थाट स्ट्रक बीरबल वाइल हैविंग अ वॉक विद अकबर नियर द लेक अ मैन वुड डू एनी थिंग फॉर मनी थॉट स्ट्रक बीरबल वाइल हैविंग अ वॉक विद अकबर नियर द लेक कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ऐसा जो ख्याल है वो बीरबल के दिमाग में आया क्वेश्चन टू वट चैलेंज डिट अकबर गिव बीरबल तो अकबर ने बीरबल को कौन सा चैलेंज दिया था अकबर चैलेंज बीरबल इन टू फाइंडिंग अ पर्सन हु कैन स्पेंड अ नाइट इन द कोल्ड लेक वाटर यानी कि जो अकबर है उसने बीरबल को चैलेंज किया था कि ऐसा पर्सन फाइंड करो यानी कि ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो पूरी रात ठंडे तालाब के पानी में पिता सके क्वेश्चन थ्री वाई वॉजन द रिवॉर्ड गिवन टू पुअर मैन जो पुअर आदमी था उसे रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया बिकॉज ही सैट दैट ही स्पेंड द होल नाइट इन द वॉर्म्स ऑफ द लैम्प उससे पूछा गया था जब आपने स्टोरी वीडियो अगर पूरी सुनी होगी जिससे मैंने समझाया था तो उससे पूछा गया था कि तुमने इतने ठंडे पानी में पूरी रात कैसे गुजार ली तो वो कहता है कि मैंने जो दूर जल रहा एक लैम्प था दीपक था उसकी जो रोशनी थी उसकी जो गर्मी थी उसमें मैंने पूरी रात बिताई तो ऐसे में जो राजा था इनके अकबर था उसने उससे कोई भी रिवॉर्ड यानि कि प्राइज़ नहीं दिया क्वेश्चन फोर्थ हाउ डिड बीरबल मेक द किंग रियलाइज इज मिस्टेक अब बीरबल ने राजा को यानी कि जो अकबर हैं उन्हें उसकी मिस्टेक कैसे रियलाइज करवाई बीरबल मार्क द मेक द किंग टू रियलाइज इज मिस्टेक बाय कुकिंग खिचड़ी स्लैश पुलाव फार फ्रॉम द फायर यानी कि उन्होंने जब बीरबल की खिचड़ी बनाई तो उस वजह से वो वो समझ चुके थे कि उनकी गलती क्या थी क्योंकि इतनी दूर खिचड़ी नहीं पक सकती जैसे गैस में तो उसने इतनी दूर जलते हुए लैम्प से नहीं ली वो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिड यू एवर ट्राई टू हेल्प टू गेट जस्टिस इफ यस हाउ आपने कभी किसी को जस्टिस के लिए हेल्प किया है अगर किया है तो कैसे सो so ये आपको खुद करना है अगर आपने किया है तो यस लिखिए और बताइए कि कैसे करा है अगर नहीं किया तो नो लिखिए ना चैप्टर थ्री क्वेश्चन नंबर वन ट फॉर वर्क रामचंद्र व्याकुल इसलिए था क्योंकि जो उसका स्टाफ था काम पे आता था जो वो बहुत देर पे आता था काम पे क्वेश्चन नंबर टू वट डेड ही डू उसने क्या किया आंसर ही क्वेश्चन बाई हिंसल उसने खुद ही क्वेश्चन अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछने लग गया वो क्वेश्चन नंबर व्हाट डिड ही रीच द फर्स्ट टाइम वो कौन से कंक्लूजन में पहली बार पहुंचा द फर्स्ट टाइम कंक्लूजन वाज लेस वर्क इज डन की पहला कंक्लूजन था कि काम कम हो रहा है इस वजह से अगर साफ लेट आ रहा है तो काम कम हो रहा है सो so, मैं आपकी क्लास एट्थ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिसमें आपके सारे जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन उसमें भी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं एंड इसमें आपके क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो वहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट कंक्लूजन डिड ही रीच द सेकेंड टाइम दूसरी बार वो कौन से कंक्लूजन में पहुंचा द सेकेंड टाइम कंक्लूजन वाज कस्टमर आर नॉट सर्व जो दूसरे टाइम कंक्लूजन था यानी कि निर्णय था वो ये था कि जो कस्टमर है वो अच्छे से सर्व नहीं की जाते उनकी बातें अच्छे से पूरी नहीं हो पाती हैं फिफ्थ आई यू समटाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंक्चुअलिटी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ये वाला आंसर भी आपको खुद ही करना है बट क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम अपनी फैमिली वालों के पंक्चुअलिटी के लिए अपने दोस्तों की पंक्चुअलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसमें कैसा आएगा चैप्टर फो का क्वेश्चन नंबर वन हाउ डू यू नो दैट द लिटल गर्ल वॉज़ वेरी पुअर तुम्हें कैसे पता है कि जो छोटी बच्ची थी वो बहुत गरीब है गरीब थी आंसर द लिटिल गर्ल वॉज पुअर वो गरीब इसलिए थी बिकॉज हर पेरेंट्स व डाइड उसके माता पिता मर चुके थे एंड शी हैड नथिंग टू इट एक्सेप्ट अ पीस ऑफ ब्रेड उसके पास एक ब्रेड के पीस के अलावा कुछ भी नहीं था खाने को क्वेश्चन नंबर टू वट डिड द लिटिल गर्ल गिव अवे आफ्टर अनादर उसने एक के बाद एक क्या गिव अवे किया दूसरों को दे दिया थिंग्स द लिटिल गर्ल गिव अवे वन आफ्टर वन अनादर एक दूसरे एक के बाद एक उसने क्या गिव अवे किया वो थिंग्स हैं पीस ऑफ ब्रेड सेकेंड हर कैप थर्ड जाकेट फोर्थ ड्रेस एंड फिफ्थ हर शॉर्ट शॉर्ट जो उसके पास जितना भी कुछ था उसने सब कुछ क्या कर दिया गिव अवे कर दिया दान कर दिया क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वॉज द गर्ल्स इंडियोरेंस रिवॉर्डेड जो उसकी इंडियोरेंस है उसे कैसे रिवॉर्ड किया गॉड ने हर इंडियोरेंस वॉज रिवॉर्डेड विथ लॉर्ट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड ड्रेस मेड ऑफ सिल्क उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं और उसे एक सिल्क की बनी हुई ड्रेस भी मिलती है क्वेश्चन नंबर फोर्थ विल यू ऑल्सो इंडियोर हार्डशिप टू हेल्प अदर क्या आप किसी के लिए भी किसी के लिए अपनी चीजों को इंड्योर कर देंगे तो ये आपको खुद करना है इसमें इसके बारे में मैं नहीं बता सकती आपको आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है तो आप इसे खुद राइट करेंगे इस आंसर को और अगर आपको इसका आंसर करेक्टली पता है तो आप कमेंट में भी राइट कर सकते हैं नाउ चैप्टर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर वन वट क्रिएटिव इंस्पिरेशन डिड मेस्ट्रल गेट ऑन सींग दर्ड्स तो मेस्ट्रल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है बेसिकली अगर आपने इसका चैप्टर नहीं देखा है तो उसका एक्सप्लेन बस जरूर देखिएगा तो मेस्ट्रल एक क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट है तो मेस्ट्रल को एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन आता है उन बर्ड्स को देख के कि वो टू साइडेड फासनर बना सकता है क्वेश्चन टू हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू द क्रिएटिव आइडिया दैट मैस्ट्रल कि लोगों ने उसकी जो क्रिएटिव आइडिया जो उसके दिमाग में आया था उस पर कैसे रिएक्ट किया ऑल पीपल लाफ ऑन हिम सब लोग उस पर हंसने लगे थे क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड मैस्ट्रल पुट हिज क्रिएटिविटी टू गुड यूज उसने जो अपनी क्रिएटिविटी है उसे अच्छे काम में लाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया आंसर ही स्टार्टेड अ इंडस्ट्री विच मैनुफेक्चर वेलको उसने इंडस्ट्री स्टार्ट की जो वेलक्रो बनाती थी क्वेश्चन नंबर फोर्थ डू यू हैव एनी क्रिएटिव आइडिया ऑफ योर ओन दैट यू फील कैन बिकम एन इन्वेंशन तो ये अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है या कोई inf... जो इन्वेंशन बन सकता है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आपको ये खुद ही करना है बिकॉज ये वाला इन्वेंशन और ऐसा कोई आइडिया ही आपको खुद ही पता होगा ना चैप्टर सिक्स वट क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द यंग मैन जो यंग आदमी था उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी द यंग मैन इज नॉट एबल टू चेंज बेस एलिमेंट्स इन टू गोल्ड जो बेस एलिमेंट्स थे उसे सोने में बदल नहीं पा रहा था वो क्वेश्चन टू हाउ डिड द ओल्ड फादर टीच द यंग मैन अ लेसन इन थ्रिफ्टीनेस थ्रिफ्टीनेस मीन्स दैट किफायती पना ठीक है तो जो फादर है ओल्ड फादर है उसने यंग मैन को कैसे लेसन सिखाया थिफ्टी नाइस का किफ़ायती बनेगा बाय टीचिंग हिम बाय टेलिंग हिम द लेसन टू यूज़ रिसोर्स प्रॉपर्ली उसने बोला कि तुम्हें रिसोर्सेज कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करने हैं अब आपको पता है अगर तो अच्छी बात है अगर नहीं पता है कि स्टोरी में क्या था तो आप एक बार स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है क्वेश्चन नंबर थ्री डू योर पेरेंट्स ऑल्सो इनकरेज यू टू बी थ्रिफ्टी बाय अडॉप्टिंग इन डायरेक्ट वेज़ क्या आपके माता पिता भी आपको थ्रिफ्टी बनने के कुछ इनडायरेक्ट वेज बताते हैं या अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं किफ़ाइ बन किफ़ायती इंसान बनने के लिए बोलते हैं तो आंसर यस अ पेरेंट्स इनकरेज अस टू बी थ्रिफ्टी इन इन डायरेक्ट वेज सबके माता पिता बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु आर यू मोस्ट लाइक द यंग मैन द ओल्ड फादर और द यंग मैंस वाइफ तो ये भी आपको खुद करना है बट इन माई ओपीनियन आई लाइक द यंग मैंस वाइफ ओके मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए द यंग मैंस वाइफ बट इफ़ यू लाइक एनी अदर ऑप्शन यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो यू हैव टू डू बाय इट बाई योर सेल्फ चैप्टर सेवन क्वेश्चन नंबर वन वट वॉज द विश ऑफ द ओल्ड मैन की जो बूढ़ा आदमी था उसकी विश कहती Answer: His wish was before he die he would like just once to see heaven and hell. वो मरने से पहले जन्नत और नरक देखना चाहता था. Question two: What did the young, what did the old man see in the hell and heaven and hell? नरक और स्वर्ग में old man ने बूढ़े आदमी ने क्या देखा? Answer ही सो अ ग्रीन लॉन्ड इसने बहुत बड़ा मैदान देखा विथ ग्रीन पाइन ट्रीज उसमें हरे पाइन ट्रीज थे एंड ही सो सो मैनी पीपल्स ने वहाँ पर बहुत सारे लोग देखे सिटिंग ऑन अ ग्रेट लॉन्ग टेबल एक बहुत लंबी टेबल पर बैठे हुए थे और इसमें बहुत अच्छा खाने का ढेर लगा हुआ था बट वहाँ पर जब वो पास जाता है वो देखता है कि उनके जो आर्म्स हैं वो लॉकड हैं और एकदम सीधे हैं वो मोड़ नहीं सकती हैं जन्नत में भी यानी कि स्वर्ग में भी और नरक में भी दोनों में ऐसा कंडीशन था पर जब उसने देखा कि हेल में यानी कि जो नरक है वहाँ पे कोई भी खाना नहीं खा पा रहा है पर हेवन में हर कोई खाना खा पा रहा है अब कैसे खा पा रहा है क्योंकि जो हेवन है वहाँ पे हर कोई अगर उनके हाथ तो नहीं मुड़ सकते बट वो सामने वाले को तो खिला सकते हैं तो इसलिए वो एक दूसरे को खिला रहे हैं उनका पेट भर रहा है क्वेश्चन थर्ड वर्ड लेसन इन जॉयफुलनेस डिड द ओल्ड मैन लर्न फ्रॉम हिज विजिट टू हेल एंड उसने कौन सा लेसन वहाँ से सीखा तो, तो, तो जो सिचुएशन डिपेंड ऑन अस वी कैन चेंज इट बाय अर्सल जो सिचुएशन होती है कोई भी वो हम पे डिपेंड करती है हम उसे खुद चेंज कर सकते हैं अपने काम से चैप्टर एट क्वेश्चन नंबर वन वट वर द किंग एंड हिज एडवाइजर डूइंग वनडे कि राजा और जिसका एडवाइजर था वो एक दिन क्या कर रहे थे द किंग एंड हिज एडवाइजर व ईटिंग हनी ऑन पफ्ड राइस वो हनी के साथ पॉप ड्राइव खा रहे थे क्वेश्चन टू व्हाट वाज़ द कॉज ऑफ द सिविल वॉर सिविल वॉर का कॉज क्या था अ ड्रॉप ऑफ हनी एक बूंद हनी की क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वाज़ द किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस इन कंट्री जो किंग है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल था जिम्मेदार था जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी कंट्री में वो था बिकॉज द किंग सेड एवरी टाइम इट्स नॉट अ मैटर क्वेश्चन so मैंने बाद में लिख दिया गलती से और आंसर पहले तो आप आंसर राइट कर लीजिए वाला नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ डू यू ऑल्सो फील दैट समटाइम्स ट्राइवल मैटर्स कैन डिस्ट्रॉय पीस एंड हार्मनी एट होम और स्कूल डिस्कस आपको बताना है कि ट्राइवल मैटर यानी कि ट्राइवल मीन्स डेट होता है तुझ्छ जो तुच्छ मैटर्स होते हैं तुझ बातें होती हैं वो एक हमारे घर में या हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती हैं या शांति भंग करने का कारण बन जाती हैं तो हाँ ऐसी बातें जो तुझ बातें होती हैं वो कभी कभार ऐसा बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती हैं तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे चैप्टर्स के सल्यूशन आए होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय